दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी सीवर्स के ढक्कन गोल ही क्यों होते हैं, या फिर ये कि ज्यादा देर पानी में रहने के बाद हमारे हाथों पर रिंकल्स यानी कि झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं? अच्छा, ये तो पता होगा कि सोडा बॉटल्स के नीचे ये बम्प्स क्यों होते हैं, क्या बस डिजाइन के लिए? नहीं दोस्तों, ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में या तो आपने कभी सोचा ही नहीं, या जो सोचते हैं वो तथ्य नहीं है। खैर, वो फैक्ट्स ही क्या जो सोचने पर मजबूर न कर दे। तो हाजिर हूँ एक बार फिर मैं नए इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स की बारिश के साथ। तो खोल लीजिए अपने दिमाग का छाता और ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन कीमती हेडफोन्स को। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये अनोखा सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर वन। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि मैनहोल कवर्स या फिर गटर के ढक्कन अधिकतर हमें राउंड या फिर गोल ही देखने को मिलते हैं। दरअसल इनके शेप का राउंड होने के पीछे स्ट्रक्चरल रीजंस हैं। पहला तो ये कि एक राउंड लिड आसानी से फिट हो जाती है, जबकि अगर ये ढक्कन स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होता तो इसे एग्जैक्टली उसी तरीके से फिट करना पड़ता जैसे इसे बनाया गया था। और दूसरा ये कि एक स्क्वायर मैनहोल कवर तो सीवर में गिर भी सकता है, लेकिन एक राउंड मैनहोल लिड होल से बड़ा डायमीटर होने के चलते उसमें गिर नहीं सकती। ये ढक्कन सुरक्षित होने के साथ साथ इजी टू ऑपरेट और इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, और इसीलिए दोस्तों अराउंड द वर्ल्ड ज्यादातर मैनहोल कवर्स राउंड या फिर गोल ही होते हैं। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों, नदी में नहाने के बाद हमारे हाथ और पैरों की उंगलियां हो या फिर कपड़े धोने के बाद हमारी माओ के हाथ, आपने भी गौर किया होगा कि पानी में ज्यादा देर रहने के बाद हमारे हाथों पर झुर्रियां सी पड़ जाती हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं सोचा तो बता दूं कि ये हमारी बॉडी का एक एवोल्यूशनरी रोल है। हमारे हाथ और पैरों की उंगलियों पर एक स्मूथ हेयरलेस स्किन होती है जिसे ग्लैबरस कहते हैं। तो होता क्या है कि जब हाथ बहुत देर तक पानी में रहता है तो दिमाग पानी में डूबे हुए हिस्से की तरफ एक न्यूरल मैसेज भेजता है। इस मैसेज से ग्लैबरस के नीचे स्थित हाथ की नसें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होती है, इसी के चलते नसों के सिकुड़ने पर स्किन इन नसों पर एक गीले कपड़े की तरह चिपक जाती है और स्किन हमें रिंकल्ड नजर आती है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल बात है। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जहाँ पानी और जूस की बॉटल्स का बेस ज्यादातर फ्लैट ही होता है, वहीं सभी सोडा और सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स के बेस में ये बम्प्स वाला डिजाइन होता है, जिनका इस्तेमाल हमारे DIY आर्टिस्ट बड़े ही क्रिएटिवली करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये बॉटल्स सिर्फ डिजाइन के लिए ही ऐसी बनाई जाती हैं? जवाब है नहीं। दोस्तों, सोडा की इन प्लास्टिक बॉटल्स के नीचे ये बम्प्स एक स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं, और वो पर्पस होता है बॉटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जी हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक्स अक्सर चिल्ड ही पी जाती हैं, और टेम्परेचर चेंज होने पर बॉटल में मौजूद लिक्विड की वॉल्यूम भी घटती बढ़ती है। ऊपर से इन ड्रिंक्स में प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में बॉटल का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो इस प्रेशर को झेलने के साथ साथ इतना मजबूत भी हो कि किसी हल्के से इम्पैक्ट पर फट ना जाए। अब दोस्तों, आपको मैंने एक दूसरे एपिसोड में बताया था कि हाई प्रेशर लिक्विड्स या फिर गैसेस को ऐसे कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है जिसमें कोई लूज कॉर्नर्स ना हो, क्योंकि इन्हीं कॉर्नर्स पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इन बम्प्स के जरिए ही इन बॉटल्स के लूज कॉर्नर एंड्स को इलिमिनेट किया जाता है, और साथ ही बॉटल को खड़ा रखने के लिए एक स्टेबल बेस भी मिल जाता है। तभी तो दोस्तों, अगर आपको प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें क्रश करके फेंकने की आदत है, तो आप जानते ही होंगे कि सोडा बॉटल्स का सबसे टफेस्ट पार्ट ये बम्पी बेस ही होता है। तो कुछ समझे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर ये फैक्ट्स आपको सिखा रहे हैं कुछ नया तो इस नॉलेज से अपने खास लोगों को महरूम ना रखें। कम से कम अपने 5 दोस्तों रिश्तेदारों को व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो भी हो जाए फैक्टिफाई। अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के अलावा सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी में भी कई मुस्तैद एजेंट्स को लगे हुए देखा होगा। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देशों में सेलिब्रिटीज को नेताओं की तरह मुफ्त में सिक्योरिटी नहीं मिलती, और वो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी खर्च करते हैं। लेकिन कभी कभार इनकी लाखों रुपए की फूल प्रूफ सिक्योरिटी भी इन स्टार्स के साथ अनहोनी होने से बचा नहीं पाती। ऐसा ही एक वाक्या हुआ अक्टूबर 2016 में अमेरिकन मॉडल किम कार्दाशियन वेस्ट के साथ। दरअसल वो अपनी पूरी फैमिली के साथ पेरिस फैशन वीक अटेंड करने के लिए पेरिस गई हुई थी, जब उनके साथ उनके ही होटल में लूटपाट हो गई। 5 आदमी पुलिस की ड्रेस में किम के होटल रूम में घुसे और गन पॉइंट पर उनकी सारी ज्वेलरी और कैश को उड़ाकर ले गए। यही नहीं, उन्होंने किम के हाथ और पैर बांधकर उसे बाथरूम में बंद भी कर दिया। और ये सब तब हुआ
जब किम के पर्सनल बॉडीगार्ड उनकी दो बहनों काइली और केंडल के साथ एक नाइट क्लब में गए हुए थे। किम ने बाद में अपने बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी एजेंसी को फायर करने के साथ साथ 6 मिलियन $6 मिलियन के लिए उसे सू भी कर दिया। बड़े लोग बड़ी बातें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप दुनिया के हाईएस्ट पीक एवरेस्ट के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इस ग्रह की सबसे गहरी जगह के बारे में जानते हैं? नहीं तो दोस्तों बता दूं कि पैसिफिक ओशन के नीले पानी के नीचे फिलीपींस और मरियाना आइलैंड्स के बीच मौजूद मरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप सी लेवल से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। इससे ज्यादा गहरा पॉइंट अर्थ के क्रस्ट पर और कहीं नहीं है। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच एक बहुत ही बड़ा अंडर वाटर कैनियन है। कितना बड़ा आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2500 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा चैलेंजर डीप इसी ट्रेंच के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसे अपना नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के शिप HMS चैलेंजर से मिला है, जिसके द्वारा 1872 से 1876 के दौरान किए गए कई एक्सपीडिशंस के दौरान ही इस डीपेस्ट पॉइंट की डेप्थ को पहली बार मापा गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि समुद्र में इतने गहरे पानी में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां किसी भी मछली या फिर जीव का सर्वाइव कर पाना मुमकिन नहीं होता, और इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस पॉइंट तक डाइविंग करके जा सकते हैं तो ये आपकी नादानी होगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वोट हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इससे सरकारें बनती और बदलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में सबसे पहला वोट किसने डाला था? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि कल्पा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले श्याम शरण नेगी आजाद भारत के सबसे पहले और सबसे बुजुर्ग वोटर हैं। नेगी जी करीब 16 लोकसभा और 12 विधानसभा चुनावों में अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन उनका देश के पहले वोटर बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव तो फरवरी 1952 में हुए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 5 महीने पहले यानी कि अक्टूबर 1951 में ही लोकल लोगों से वोट डलवा लिए गए थे, क्योंकि ऐसे कयास लगाए गए थे कि सर्दियों में बर्फबारी के कारण इन सुदूर इलाकों के निवासियों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। दोस्तों, इसी के चलते श्याम शरण नेगी, जो पेशे से एक शिक्षक रहे हैं, ने 25 अक्टूबर 1951 के दिन देश का पहला वोट डाला था। 100 से भी ज्यादा बसंत पार कर चुके श्याम शरण नेगी का स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं रहता, लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला अब भी बरकरार है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी जिन लड़कियों के माता या पिता नहीं होते उनकी शादी में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा गुजरात के एक अमीर हीरा व्यवसायी महेश सवानी की कहानी, जो निकले हैं लड़कियों को बोझ समझने वाले हमारे इसी समाज से और करवा चुके हैं आज तक हजारों गरीब लड़कियों की शादी। और ये बीड़ा महेश ने तब से उठाया जब एक हादसे में उनका भाई गुजर गया और उन्होंने अपने भाई की दो बेटियों का कन्यादान किया। 2012 से जिन बेटियों के पिता नहीं है, ऐसी कई लड़कियों की शादी महेश कराने लगे। ऐसे कई सामूहिक आयोजनों में महेश कभी 250 तो कभी 300 तक भी शादियां करवाते हैं, और सिर्फ इन लड़कियों की शादी का खर्च ही नहीं उठाते बल्कि हर जोड़े को 5-5 लाख रुपए का गिफ्ट भी देते हैं। ये सब जानकर कोई हैरत नहीं दोस्तों कि इनका इनबॉक्स फादर्स डे के दिन फुल हो जाता होगा। खैर, अगर हफ्ते की एक वीडियो से आपका कुछ नहीं होता और आपको चाहिए फैक्ट्स की डेली अपडेट्स, तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और हो जाए फैक्टिफाई। खैर, फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अक्सर गहरी रात में कुत्तों के रोने की आवाजें सुनी होंगी। लोग कुत्तों का रोना अपशकुन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा करते क्यों हैं? अगर नहीं दोस्तों तो बता दूं कि पहली बात तो ये कि कुत्ते रोते नहीं हैं, वो हाउल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भेड़िए जंगल में हाउल करते हैं। कुत्ते असल में भेड़ियों की ही पालतू बनाई हुई प्रजाति है, और इस एवोल्यूशन के बावजूद वुल्फ के कई ऐसे ट्रेट्स हैं जो अभी भी कुत्तों में देखने को मिलते हैं। ये हाउलिंग भी उन्हीं आदतों में से एक है। असल में रात में ये आवाजें निकालकर कुत्ते सड़क या फिर इलाके में अपने दूसरे साथियों तक मैसेज पहुंचाते हैं और अपनी लोकेशन का पता देते हैं। इसके अलावा चोट लगने पर, दर्द होने पर या फिर किसी शारीरिक परेशानी के चलते भी ये हाउल करते हैं। तो अगली बार कोई कुत्तों के रोने को अपशकुन बताए तो आप इसके पीछे का विज्ञान उन्हें जरूर समझा देना। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एडिडास कंपनी ने समुद्र से इकट्ठा किए हुए प्लास्टिक से 1 करोड़ से भी ज्यादा इको फ्रेंडली शूज के पेयर बनाए हैं? जी हाँ, 2015 में पार्ले के साथ एक पार्टनरशिप में एडिडास ने समुद्री कचरे को स्पोर्ट्स वेयर में बदलने का फैसला किया, और अपने इस इनिशिएटिव के तहत वो 2810 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक ओशन से बाहर निकालने में कामयाब रहे। समुद्र से निकाले गए इस प्लास्टिक को श्रेड करके धोया और फिर सुखाया जाता है। एडिडास इसी प्लास्टिक को पिघलाकर एक पॉलिएस्टर यार्न तैयार करता है, जिसका इस्तेमाल
वो जूतों और जर्सीज पर डिजाइन के लिए करता है। साथ ही दोस्तों, इन जूतों में इस्तेमाल होने वाला रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर कम पानी और केमिकल्स का इस्तेमाल करता है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग से होने वाले एनवायरमेंटल इंपैक्ट को और भी कम कर देता है। यही नहीं, मैरीन प्लास्टिक से बने ये जूते एडिडास के दूसरे जूतों से किसी भी मामले में कम नहीं। और अब दोस्तों, वक्त हो चला है आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है गौरव शर्मा ने। गौरव बताते हैं कि कैसे गूगल मैप्स पर फर्जी ट्रैफिक दिखाकर गूगल को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि गूगल मैप्स किसी रोड पर ट्रैफिक का अंदाजा उस इलाके में मौजूद स्मार्टफोन्स के बिना पर ही लगाता है, और इसे प्रूव किया एक जर्मन आर्टिस्ट साइमन वेकेट ने, जिन्होंने अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के फोन्स बोरो किए और एक हैंडकार्ट में ऐसे 99 फोन्स डालकर बर्लिन की खाली सड़कों पर निकल गए। और दोस्तों, इन फोन्स की प्रेजेंस को सर्विस ने भी वैसा ही इंटरप्रेट किया जैसा करने के लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। सड़क पूरी तरह से खाली होने के बावजूद नेविगेशन में स्लो मूविंग ट्रैफिक दिखने लगा, था ना कुछ हटके। तो अगर लगे हो आपको भी ये फैक्ट्स इंटरेस्टिंग और वर्थ लर्निंग, तो जाते जाते इस वीडियो पे एक लाइक जरूर देते जाना। फिलहाल आज यही खत्म होता है ये कमाल का सफर। मिलेंगे फिर एक बार कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।